कहानी की शुरुआत में हमें एक जादुई और रहस्यमयी जगह दिखाई जाती है। वहीं जंगल में हम एक आदमी को भी भागते हुए देखते हैं, जिसका नाम एलियोसा होता है। तभी हमें वहाँ एक रानी दिखाई जाती है जो एलियोसा को पत्थर का बना देती है। दरअसल वो रानी किसी जादुई तलवार की तलाश में थी और एलियोसा को उसके बारे में पता था, लेकिन वो उस तलवार को सेफ रखना चाहता था, इसलिए वो क्वीन को कुछ भी नहीं बताता और इसके बदले में क्वीन उसे पत्थर का बना देती है। वहाँ हम एलियोसा के साथी को भी देखते हैं जो क्वीन से बचने के लिए पानी में कूद जाता है, और जहाँ पानी के अंदर हम देखते हैं कि रानी ने और भी बहुत से लोगों को पत्थर का बना रखा था। इसके बाद हमें मूवी का मेन कैरेक्टर इवान दिखाया जाता है, जो एक जादूगर था और बचपन से ही अपनी फैमिली से अलग रहता था। वो लोगों के सामने अपनी कला की नुमाइश करता था। एक रात जब इवान अपना शो खत्म करके कहीं जा रहा होता है, तभी उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उससे कहती है कि जल्द ही तुम दूसरी दुनिया में जाने वाले हो। लेकिन इवान उसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और घर आ जाता है, जहां हम देखते हैं कि इवान अपने घर पर अकेले ही रहा करता था। उसके अलावा वहां एक मेड थी जो घर की साफ सफाई करती थी। अगले दिन इवान एक लेडी से मिलता है और उसे बताता है कि उसके घर पर कोई काली शक्ति है और उसी काली शक्ति की वजह से आपके हस्बैंड आपको चीट कर रहे हैं। और इवान उसके घर से उस काली शक्ति को भगाने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करने लगता है और इसके बदले में वो लेडी उसे बहुत सारे पैसे देती है। इवान के मैजिक के बारे में सुनकर एक लेडी डॉक्टर भी उससे कॉन्टेक्ट करती है। वो उसे बताती है कि उनका एक पेशेंट एक छोटा बच्चा है जो काफी समय से कोमा में है और हमारी पूरी टीम कोशिश कर चुकी है उसे होश में लाने की, लेकिन उस पर कोई भी मेडिसिन असर ही नहीं कर रही है। वो इवान से कहती है कि कुछ ऐसा करो जिससे वो बच्चा होश में आ जाए, लेकिन इवान उस बच्चे को देखकर कहता है कि मैं इस बच्चे को ठीक नहीं कर सकता और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन दिल ही दिल इवान को उस बच्चे के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। तभी उसे अपने बचपन का टाइम याद आता है जब वो बहुत छोटा था और अनाथ आश्रम में रहा करता था, जहाँ कुछ बच्चों ने उसे तंग करने के लिए एक रूम में बंद कर दिया था, लेकिन इवान ने एक पिन की हेल्प से डोर खोल लिया था और इवान आज भी उस पिन को अपने पास रखता है और उसे अपने लिए बहुत लकी समझता है। एक दिन जब इवान एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है, तभी उसके पास उस लेडी का हस्बैंड आ जाता है जिसके घर में इवान ने रिचुअल परफॉर्म किया था। इवान उसे और उसके गार्ड्स को देखकर उसके इरादे समझ जाता है और फौरन वहां से उठकर भागने लगता है, और भागते हुए वो एक स्लाइड में जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये होती है कि जब वो स्लाइड की दूसरी तरफ से निकलता है तो वो एक जंगल में आ चुका होता है, यानी उस बूढ़ी औरत ने जो कहा था वो हो गया और इवान अब दूसरी दुनिया में आ चुका है। इससे पहले कि इवान वहां कुछ समझता, वहां वही आदमी आ जाता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में रानी से बचकर भागते हुए देखा था, और वो इवान से कहता है कि अब तुम दूसरी दुनिया में हो। वो उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने ही तुम्हें छुपाने को कहा था, लेकिन इवान उसकी कोई बात नहीं समझ पाता। तभी वो इवान को एक रिंग देते हुए कहता है कि तुम्हें इस जगह को बचाना होगा। अब इवान और ज्यादा कुछ जान पाता इससे पहले ही एक तीर उस बूढ़े आदमी को लगता है जिससे उसकी मौत हो जाती है, और वहाँ कुछ सैनिक आते हैं जो इवान को बंदी बनाकर अपने राजमहल में ले आते हैं। लेकिन जब किंग इवान के हाथ में वो रिंग देखता है तो वो उसे कुछ नहीं कहता और उसके बंधे हुए हाथ भी खोल देता है, और वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। वो इवान से मिलकर बहुत खुश होता है और वो उसे सबसे मिलवाता है, और साथ ही वो उसे क्वीन से भी मिलवाता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो क्वीन इवान को महल दिखाने के बहाने ले जाती है और धोखे से उसे कैद खाने में कैद कर देती है। उसी कैद खाने में इवान को कोशी नाम का एक आदमी मिलता है जिसके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करके वहाँ कैद कर रखा था। वो आदमी उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। इवान उसे पूछता है कि मेरे यहाँ आने का मकसद क्या है। वो इवान से बताता है कि तुम एलियोसा के बेटे हो, इसलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। तभी वहाँ एक और कैदी लाया जाता है जो एक चुड़ैल होती है। इवान उसे पूछता है कि क्या मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकता हूँ। तभी वो बर्फ में जमा हुआ आदमी बताता है कि इसके लिए तुम्हें एक जादुई तलवार की जरूरत होगी और उस जादुई तलवार को सिर्फ तुम ही ढूंढ सकते हो। वो उसे बताता है कि मैंने भी एक बार उस तलवार को उठाया था जिससे मैं अमर हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो कैद खाने में एक लड़की आती है जिसका नाम नलसी होता है, और वो चुड़ैल कैद खाने के सभी सैनिकों को अपने जादू से बेहोश कर देती है, और नलसी उस बर्फ में जमे हुए आदमी को आजाद करने लगती है, साथ ही उसके सभी बॉडी पार्ट्स को भी जोड़ देती है। वो आजाद होने के बाद इवान को भी अपने साथ चलने को कहता है क्योंकि वो मानते हैं कि इवान उनके बहुत काम आने वाला है। जब इवान अपना सामान उठा रहा होता है तभी वो गलती से एक घंटी बजा देता है और उसके बजते ही बहुत से सैनिक वहां आ जाते हैं, लेकिन वो लोग एक टीम की तरह उनसे फाइट करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और जैसे ही क्वीन को इस बात का पता चलता है वो उन्हें पकड़ने आती है, लेकिन अब तक वो उसकी पहुंच से बहुत दूर निकल गए थे। अगले दिन क्वीन ये सारी बातें किंग को बता देती है, लेकिन किंग को ये नहीं मालूम था कि उसके भाई को क्वीन ने ही कैद किया था, इसलिए उसे लगता है कि उसके भाई ने उसके खिलाफ जाकर उस आदमी को आजाद किया है। दूसरी तरफ हम इवान, नलसी और कोशी को देखते हैं जो चुड़ैल के घर पर आ चुके होते हैं, लेकिन यहाँ आकर भी इवान उनकी मुसीबतों को बढ़ा देता है और गलती से चुड़ैल के घर को आग लगा देता है। वो उस पर बहुत
गुस्सा होती है, लेकिन कोसी उसे समझाते हुए कहता है कि तलवार ढूंढने में हमें इसकी जरूरत है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और इवान इस एडवेंचर को बहुत इंजॉय कर रहा था, वो उनके साथ सेल्फी भी लेता है। इसके बाद वो लोग एक झील पर पहुंचते हैं जहां एक प्रोटेक्टर उन्हें कुछ जानकारी देता है। पहले तो नलसी अपनी खूबसूरती से उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो दिखने में इतना भद्दा और डरावना है तो वो पीछे हट जाती है। तभी चुड़ैल अपने आप को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की में तब्दील कर लेती है, जिससे फ्रॉग बहुत खुश होता है और वो उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। और यहाँ हम क्वीन को देखते हैं जिसे पता चल चुका होता है कि फ्रॉग उनकी मदद कर रहा है और ये बात वो किंग को भी बता देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लोग एक गुफा में पहुंच जाते हैं जहां एक बड़ा सा क्रिएचर सो रहा होता है, लेकिन वो लोग उसे बगैर डिस्टर्ब करे दबे पैर जाने लगते हैं। लेकिन तभी इवान का फोन रिंग करने लगता है जिससे वो जाग जाता है और वो इवान पर हमला कर देता है। और जब इवान को पता चलता है कि वो एक लड़की है तो वो उसे सॉन्ग सुनाकर इम्प्रेस करने लगता है, जिससे वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और उस गुफा के आगे उन्हें एक और झील मिलती है जहाँ कोसी उस फ्रॉग से कहता है कि तुम यहाँ की मछलियों को कंट्रोल करो ताकि हम आसानी से लेक पार कर सकें। लेकिन वो डरपोक उन मछलियों से डर कर वहाँ से भाग जाता है और इसी दरमियान नलसी और कोसी के बीच भी लड़ाई हो जाती है और नलसी वहाँ से चली जाती है। तभी नलसी के वहाँ से जाने के बाद कोसी इवान को उसकी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि नलसी को किंग बहुत पसंद करने लगा था, जिस वजह से क्वीन उसे जलती थी और क्वीन ने उसे बदला लेने के लिए उसकी पूरी फैमिली मेंबर्स को फ्रॉग बना दिया और बाद में चुड़ैल की मदद से उन्हें दोबारा इंसान बनाया गया। इवान जब नलसी की दुख भरी कहानी सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है, इसलिए वो नलसी को मनाने के लिए एक खरगोश को उसके पास लेकर आता है, मगर नलसी उस रैबिट को देखकर डर जाती है। तभी वो रैबिट क्वीन में चेंज हो जाता है और साथ ही उनके बहुत से सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं। उनसे बचने के लिए वो एक कुएं में कूद जाते हैं। थोड़ी देर में वहां फ्रॉग भी आ जाता है और वो चुड़ैल को देखकर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था, लेकिन वो फ्रॉग उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और क्वीन का सामना अकेले ही करने के लिए वहाँ रुक जाता है। तभी क्वीन वहाँ आ जाती है और उसे मार देती है। और दूसरी तरफ वो लोग अपने सही रास्ते पर निकल पड़ते हैं। इवान अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता था, मगर नलसी इस बात से जरा भी खुश नहीं थी क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी। अगली सुबह जब वो सोकर उठते हैं तो क्वीन भी अपने सैनिकों के साथ वहाँ पहुँच जाती है, मगर नलसी उसके सैनिकों का मुकाबला करने में लग जाती है। तभी नलसी फाइट के दौरान ऊंचाई से गिर जाती है, लेकिन किसी तरह खुद को फ्रॉग में कन्वर्ट करके वो बच जाती है और क्वीन इवान को कैद करने के लिए ले जाने लगती है, लेकिन इवान उसे डिस्ट्रैक्ट करके रास्ते से भाग जाता है और वो भागकर वहीं पहुंच जाता है जहां बहुत सी तलवारें होती हैं। तभी क्वीन भी वहां आ जाती है और वो अपने मैजिक से उस पर हमला करने लगती है और तभी इवान के हाथ वो असली तलवार लग जाती है और उस तलवार की वजह से वो क्वीन को बहुत आसानी से हरा देता है। इसके बाद वो तलवार कोसी को दे देता है, मगर कोसी उसे धोखा दे देता है क्योंकि वो एक स्टोन के लिए ये तलवार किंग के हवाले करने वाला था। तभी रिवील होता है कि इन सबके पीछे मास्टरमाइंड किंग का है, क्योंकि किंग उस तलवार और स्टोन की मदद से अमर बनना चाहता है और किंग भी कोसी को धोखा दे देता है। मगर जैसे ही किंग कोसी पर हमला करने वाला होता है तभी नलसी वहां आ जाती है। नलसी उस पर अटैक करती है और तलवार दूर फेंक देती है। तभी इवान तलवार उठाता है और अपनी असली दुनिया में वापस आ जाता है, लेकिन अपनी इस दुनिया में वापस आकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो हमेशा नलसी के बारे में ही सोचता रहता है कि उसे नलसी को ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था, इसलिए वो दोबारा उसी स्लाइड वाले रास्ते से वहाँ चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ किंग अपना पूरा मैजिक करने वाला होता है जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, लेकिन इससे पहले वो अमर होता इवान वहाँ आ जाता है और वो किंग को गन से शूट कर देता है, लेकिन किंग पर इसका कोई असर नहीं होता। वो किंग इवान को जैसे ही मारने वाला होता है तभी वहाँ एक ड्रैगन भी आ जाता है और वो इवान की हेल्प करने लगता है, जिससे इवान को टाइम मिल जाता है और वो नलसी को आजाद कर देता है। तभी नलसी इवान को बताती है कि अगर तुमने किंग के उस स्टोन को तोड़ दिया तो वो आसानी से मर जाएगा। तभी इवान किंग को ललकारता है और किंग अपनी तलवार साइड में रखकर उसे लड़ने लगता है और दूसरी तरफ क्वीन और नलसी भी फाइट करने लगते हैं। तभी लड़ाई के दौरान इवान को ये भी पता चलता है कि उसके फादर को किंग और क्वीन ने ही मिलकर पत्थर बनाया था। वो लोग आपस में लड़ ही रहे होते हैं तभी कोसी वहां आकर उस स्टोन को उठा लेता है और फौरन तलवार से उस स्टोन के दो टुकड़े कर देता है, जिससे किंग और कोसी दोनों ही मर जाते हैं और क्वीन डर के मारे वहां से भाग जाती है। लेकिन किंग के मरने के बाद उन्होंने जितने भी लोगों को पत्थर बनाया था वो नॉर्मल होने लगते हैं, जिसमें इवान के फादर भी थे और वो दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद इवान डिसाइड करता है कि वो अब से अपने डैड के साथ ही इसी दुनिया में रहेगा और वो बाद में नलसी से भी शादी कर लेता है। और मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि इवान वापस अपनी दुनिया में आता है और जो बच्चा कोमा में था उसे एक जादुई ड्रिंक पिलाता है, जिससे वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है।